आज 13 रजब है मौला अली का बर्थडे। आज हम लोग उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। देखिए हम खीर बना रहे हैं, ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम सामान में बड़ी टेस्टी खीर बन के तैयार हुई है। ये देखिए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ठीक ठाक भी होंगे, फिट फाट भी होंगे। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोविया की डिश। आज हम बनाने वाले हैं खीर। ये देखिए हमने एक भगोना लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। इससे क्या होता है, इससे हमारा नीचे जो है खीर जलेगी नहीं, आराम से पकती रहेगी। अब हम इसमें दूध डालेंगे 2 लीटर। दूध मेरा 2 लीटर है, आपको जितना बनाना हो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। ये देखिए ये एक प्याली चावल है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा 4 ब्रेड लिए हैं, थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा लावा, थोड़ा सा लिया है मैंने मिल्क पाउडर। सबको मिला के पीस लेंगे। ये ब्रेड की कोर को अलग कर देंगे। आप चाहें तो ब्रेड ना डालें, आप चाहें तो अपने किशमिश भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चाहें डाल सकते हैं। ये देखिए दोगी मैंने काटी, दोगी इसको भी काट लेंगे। एक बार गाइस ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी डिश आपको कैसी लगती है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इनको हम मिक्सर जार में डाल के पीस लेते हैं। बहुत मोटा भी नहीं पीसना है, बहुत बारीक भी नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। ये देखिए हमारा दूध बॉयल हो चुका है अच्छे से। आँच को थोड़ा तेज कर देते हैं। अब जो हमने पीसा है सारे जो है मिक्सर को एक साथ डाल देंगे, डाल के चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। ये थोड़ी देर तक, इसको टाइम लगता है पकाने में, जब तक ये गाढ़ी ना हो जाएगी तब तक इसको पकाते रहेंगे। ये देखिए थोड़ा सा दूध मैंने बर्तन में डाल के उसको भी हिला के डाल दिया। ये देखिए ताकि हमारा कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। सारा मसाला हमारा काजू बादाम, आप चाहें तो गरी का पाउडर भी डाल सकते हैं, गरी को पीस के भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। चाहें तो खोआ भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड किया है। अब इनको चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक। ये देखिए इसमें हमने काजू बादाम डाल दिया, छोटी इलायची डाल दिए। ये देखिए हमारी गाढ़ी हो गई है, लगभग ये तैयार हो गई, थोड़ी देर रखेंगे तो गाढ़ी हो जाएगी। ये अब इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं। 2 किलो दूध है मेरा, तो मैंने इसे जो है 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डाली है। उसमें ये परफेक्ट मीठा होगा। आपको ज़्यादा बनाना है कम बनाना है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। अब देखिए चीनी घुलने देते हैं, फिर से ये पतली हो जाएगी। फिर से थोड़ी देर इसको चलाएंगे और पकाएंगे अच्छे से, फिर से थोड़ी देर में गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए कंटिन्यू चलाते चलाते ये फिर से गाढ़ी हो गई। ये देखिए हमारी टेस्टी खीर बन के तैयार हो गई है। थोड़ी देर रखने से ये अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। चलिए इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारा बाउल, इसमें हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए काजू बादाम मैंने बड़ा मोटा मोटा भी डाला है इसमें, वो मेरे बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है मुँह में जब आता है। तो गाइज़ एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है।